हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का जो है 7:30 बज गया है, और 7:30 बजे से जो है आप लोग का चल रहा था हिंदी का क्लास। आज हिंदी होगा, कल बायोलॉजी होगा, ठीक है। आज हिंदी का सिर्फ क्लास रहेगा और 8:30 बजे क्या 9 बजे तक आज चलेगा। जितना देरी चले पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, यानी पूरा चैप्टर हिंदी आज खत्म, ठीक है। तो आप लोग का जो है आज का जो क्लास चलने वाला है वो क्लास चलेगा हिंदी। और हिंदी में क्या चल रहा था, सभी को गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, ठीक है। तो हिंदी में आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्या करते हैं, उषा। चैप्टर का नाम है उषा। चलिए यहां पे समझिए, ये जो उषा है, उषा क्या है, कविता है। और इनके लेखक की अगर हम बात कर ले कि उषा के जो है लेखक कौन है, उषा के जो है लेखक कौन है, ठीक है। उषा के लेखक की बात कर रहे हैं, उषा के जो लेखक है उन लेखक का नाम है, लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम है, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह। चलो देखो, तो यहां पे क्या कह सकते हैं, यहां पे यह कह सकते हैं कि जो उषा के लेखक हैं उनका क्या नाम है, शमशेर बहादुर सिंह। आज भी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग क्या करता है ना, सुनो, कल भी एक व्यक्ति का की क्वालिटी दिक्कत आई। आप लोग 360 तक देखिए, बहुत अच्छा क्वालिटी दिखाएगा। आप मोबाइल को ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के देखिए, बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। तो आइए, शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले जो है शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबको गुड इवनिंग, ठीक है। बार बार सब आते रहेगा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, कितना बार बार बोलेंगे। तो एक बार सबको गुड इवनिंग बोल दिए, ठीक है, पढ़िए आप, ठीक है। सबको हमारे चैनल पर स्वागत है, हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है, शिव शंकर बायोलॉजी में सभी का स्वागत है, शिव शंकर सर की क्लास में स्वागत है। और शिव शंकर सर आप सबको हाथ जोड़ के स्वागत करता कि बउआ पढ़ो इधर, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आइए, तो अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, शमशेर बहादुर सिंह के सबसे पहले जन्म का बात करेंगे कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। इनके अगर हम जन्म की बात कर रहे हैं तो जो शमशेर बहादुर सिंह है इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी को। कब हुआ था, 13 जनवरी को हुआ था, 13 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, 1911 ईस्वी को। कब हुआ था, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी जन्म स्थान की बात कर ले कि इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है। तो सुनिए, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वह देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था, देहरादून में हुआ था। और देहरादून कहाँ पड़ता है, देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था, यानी देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में पड़ते हैं। इनके अगर हम निधन की बात कर रहे हैं, ये मरे थे कब, इनके अगर निधन को देखा जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुआ था 1993 ईस्वी में। कब हुए थे, 1993 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि इनका जो निधन हुआ था वो 1993 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब एक बात समझिएगा, इनके हम बात कर ले माता का कि इनके माता का नाम क्या था। तो इनके जो माता थे, इनकी माता का नाम था प्रभु देई। क्या नाम था, प्रभु देई, याद रखिएगा, प्रभु देई। ये प्रभु देई कौन है,
शमशेर बहादुर सिंह के माता, शमशेर बहादुर सिंह के माता का क्या नाम है? प्रभु देई। और इनके अगर हम पिता की बात कर ले कि इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है तारिफ सिंह। लिख दे रहे हैं इधर, क्या है नाम? तारिफ सिंह। याद रखिएगा कि इनके पिता का, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? तारिफ सिंह। ये तारिफ सिंह जो थे ना, साहित्य प्रेमी थे। साहित्य प्रेमी समझ रहे हैं, यानी साहित्य से इनको बहुत लगाव था, साहित्य प्रेमी। अब किसी के दिमाग में आ रहा कि सर देखो पूछ रहा है साहित्य का मतलब, नहीं साहित्य प्रेमी का, कि इन्होंने साहित्य पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता था, किसी के बारे में लिखा हो या पेपरों को पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता था। साहित्य प्रेमी उसको बोलते हैं कि जिसमें कोई व्यक्तियों के साहित्य जीवनी के बारे में पढ़ना, जीवनी के बारे में, डायरेक्ट सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं बायोग्राफी, या फिर वो प्राचीन काल में जो जो घटनाएं घटी थी जीवन से संबंधित, उस चीजों को भी साहित्य में लिखा जाता है, या कुछ चीजें ऐसी लिखी जाती अपने बारे में जो वर्तमान में घटनाएं घट रही है वो सब साहित्य में लिखी जाती है। तो उनको बहुत अच्छा लगता था चीजों को जानने के लिए। ये जो थे ना तारिफ सिंह, ये तारिफ सिंह जॉब करते थे, और कहाँ करते थे? कलेक्ट्रियल ऑफिस में। कहाँ करते थे? कलेक्ट्रिएट रीडर थे। क्या थे? कलेक्ट्रिएट रीडर। अब ये कलेक्ट्रिएट रीडर क्या होता है, ठीक है, इतना जानो एक सरकारी नौकरी थी। कलेक्ट्रिएट रीडर जो थे ना, ये क्या करते थे, जैसे ट्रांसलेट का काम होते हैं, या किसी को पढ़ा करके बताना किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आप जाइए एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट हवाई जहाज पे जाइए, तो उस जगह पे जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो वहां पे एक ट्रांसलेटर बैठे होते, रीडर बैठे होते जो आपको ट्रांसलेट करते थे। तो ये कलेक्ट्रिएट रीडर थे, यानी रीडिंग करने का काम करते थे, उनको ज्यादा पेपरों को कागजी काम करते थे, जैसे ऑफिस में किसी कागज को ला के सुनाना कि ये चीज हो रही है, ये घटनाएं घट रही है, सारे काम करने, पढ़ने का काम। अरे रीडर का मतलब ठेठ भाषा में बस इतना ही जानो कि ये रीडर रीडिंग करते थे, यानी ये कागजों का काम करते थे ऑफिस में, कागज का, बस इतना जानो कि कागज का काम करते थे। बस इतने एग्जाम में पूछेगा, फालतू तो नहीं पूछेगा कि तारीफ सी क्या करते थे, बस कलेक्ट्रेट रीडर थे और ये साहित्य के बहुत बड़े प्रेमी थे, ठीक है। चलिए आइए, इनके अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? शिक्षा का। तो देखिए यहां पे समझिएगा, अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये इनका जो शिक्षा था, ये 1928 में, ध्यान से मानना, ये जो है 1928 में मैट्रिक पास किए, 1928 में मैट्रिक पास किए, मैट्रिक समझ रहे हैं, मैट्रिक दसवां पास किए। दसवां को क्या बोलते हैं? हाई स्कूल बोलते हैं, हाई स्कूल बोलते हैं। तीनों ने हाई स्कूल कब पास किया? 1928 में। फिर उनको जब हाई स्कूल पास किए थे ना, सुन लो बढ़िया से, जब हाई स्कूल पास किए थे तो 1929 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को धर्म देवी, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह को, ये कौन मैसेज ऐसे करता है जी, पता ना, पढ़े आया तो पढ़ो ना, लंद फंद सबको मुहब्बते हो जाएगा, सबको आता है, कोचिंग की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा, यही सब करो। चलिए देखो 1929 में अगर देखा जाए तो 1929 में इनका विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ धर्म देवी के साथ, याद रखिएगा, धर्म देवी से इनका विवाह हुआ, देवी से विवाह हुआ, किनका विवाह हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का। यानी जब 1928 में मैट्रिक पास किए, 1928 में मैट्रिक पास किए, तो पहले जो थी ना, मैट्रिक पास करो चाहे नहीं करो, आठवां में भी रहेगा, सातवां भी रहेगा, सातवां पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, पहले पांचवा बोर्ड होती थी, आज से 10 साल पहले पांचवा बोर्ड होता था, तो फिर आठवां बोर्ड हुआ, और आठवां बोर्ड के बाद आप लोग का मैट्रिक बोर्ड हो गया। मैट्रिक बोर्ड हम लोग भी किए हैं, तो आप ही लोग के समान है जी, हमको बहुत बुजुर्ग आदमी है, हम लोग भी वही चीज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, 2-4 साल पहले पास किए आप, 2-4 साल बाद पास कर रहे हैं, बस अंतर यही है। चलिए, तो 1928 में मैट्रिक दिए थे इनको, 1929 में विवाह कराया गया, किनके साथ विवाह कराया गया? धर्म देवी के साथ कराया गया। तो जब धर्म देवी का विवाह हो गया इनके साथ, तो बाद में फिर 1931 में इंटर पास किए, 1931 में
इंटर पास किए, क्या किए, इंटर पास किए। अच्छा 1931 में इंटर पास करिए तो 1933 में ध्यान दीजिएगा 1933 ईस्वी में बीए किए, क्या किए, बीए पास किए। अब जैसे 1933 बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी इंटर के बाद वाला कोर्स बीए जब किए, और बीए कहां से किए थे, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से बीए किए थे, ध्यान रखिएगा बीए इन्होंने कहां से पास किया, इलाहाबाद से। तो जब बीए इन्होंने इलाहाबाद से पास किया जिस साल, उसी साल इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, यानी कह सकते हैं कि 1933 में, 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई थी, पत्नी की मृत्यु हुई थी, पत्नी की मृत्यु हुई 1933 में, यानी जिस साल इन्होंने बीए पास किया उसी साल इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया और फिर दोबारा शादी इन्होंने नहीं किया। फिर 1938 में, 5 साल बाद 1938 में इन्होंने एमए किया, क्या किया, एमए किया 1938 में, फिर एमए किया, और एमए करने के बाद इन्होंने जो है कुछ जॉब के लिए तराशा, तो बहुत तराशते, कुछ घर पे इनकी कुछ इनकी काम था, जैसे मान लीजिए घर में कुछ काम बटाना ये सब करते रहते थे। लेकिन बाद में शमशेर बहादुर सिंह जो हैं, शमशेर बहादुर सिंह को देखा जाए तो 1881 ध्यान दीजिएगा 1981 से 1985 तक, 1981 से 1985 ईस्वी तक जो है प्रेमचंद सृजन विद्यापीठ, याद रखिएगा, या सृजन एकेडमी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रेमचंद, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र सृजन विद्यापीठ या एकेडमी, सृजन हम बोल देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, यहाँ पे नाम रख देते क्या था, प्रेमचंद सृजन विद्यापीठ 1881 से 1985, ध्यान सुनना 1981 से 1985 तक इन्होंने प्रेमचंद सृजन पीठ यानी विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यहां लिख दे रहे हैं, विक्रम विश्वविद्यालय यानी विक्रम जो विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो विक्रम विश्वविद्यालय जो है, इस विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, कहां, उज्जैन, ध्यान रखिएगा विक्रम विश्वविद्यालय कहां में, उज्जैन में, और उस विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष बने, क्या बने, अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने, चले याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि 1981 से 1985 तक प्रेमचंद्र सृजन पीठ, प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे, क्या रहे, उज्जैन, उज्जैन के अध्यक्ष बने। बाद में जो है इनको या फिर हिंदी जो शब्दकोश होता है उस हिंदी शब्दकोश का इनको संपादक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी शब्दकोश का जो है संपादन किया था। उसके बाद जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, इन्होंने हिंदी और उर्दू शब्दकोश का संपादक माना जाता है, इन्होंने क्या किया था, हिंदी और उर्दू का संपादन किया था, क्या किया था, हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू शब्द का शब्दकोश, हिंदी और उर्दू शब्दकोश इसको बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, हिंदी और उर्दू कोश का संपादक, कोश का संपादन माना जाता है, का संपादन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने हिंदी और उर्दू में भी जो है इन्होंने संपादन किया था, इन कविताओं को इन्होंने जो है संपादन का कार्य, संपादन का मतलब प्रकाशित, ठीक है, इन्होंने प्रकाशित करवाया था हिंदी और उर्दू कोश में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनकी वृत्ति बात कर लेते कि शमशेर बहादुर सिंह की वृत्ति क्या हुआ, तो वृत्ति ज्यादा कुछ नहीं है, इनकी वृत्ति था साहित्य में खूब मन लगता था इनको, क्या कहते हैं, साहित्य, इनकी वृत्तियां क्या क्या है, वृत्तियां का मतलब हो जाता है इनको रुचि, साहित्य में खूब मन लगता था, फिर इनको जो है माया में, माया इनकी वृत्तियां थी सब पढ़ना, साहित्य इनको खूब पढ़ते थे, माया भी पढ़ते थे, फिर इन कहानियां पढ़ना भी इनको अच्छा लगता था, कहानी भी इन्होंने पढ़ते थे, मनोहर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, अरे तुम लोग मनोहर पोथी मत समझ लेना, ये मनोहर पढ़ते थे, मनोहर इनका बहुत था, वृत्तियां कौन कौन थी, साहित्य है, माया है, कहानी है, और कहानी के साथ साथ क्या हो गया आपका,
मनोहर हो गया और इसके साथ नया यहाँ पे लाइट आ रही होगी, इधर कर देते नया साहित्य, यहाँ पे नाम दे देते नया साहित्य, ये भी इनको अच्छा लगता था, ठीक है नया साहित्य। तो एक बार रिपीट करते हैं फिर चलते हैं इनकी रचनाओं पर कृतियों पर, ठीक है। तो चलिए, शमशेर बहादुर सिंह किनका लेखक है, उषा, उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को, जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड, निधन 1993 में। माता का नाम प्रभु देई, पिता तारिफ सिंह, तारिफ सिंह साहित्य प्रेमी और कलेक्ट्रिया रीडर थे। इनकी शिक्षा 1928 में मैट्रिक पास किए, 1931 में इंटर पास किए, 1933 में बीए इलाहाबाद से किए, 1938 में एमए पास किए। 1929 में धर्म देवी से इनका विवाह हुआ था, 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर विवाह नहीं किया, आजीवन रह गया ऐसी। इन शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी उर्दू कोश का संपादक कहा जाता, संपादक माना जाता है। इन्होंने 1981 से 1985 चार साल प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। इनकी वृत्तियां है नया साहित्य, साहित्य माया कहानी और मनोहर, इनकी क्या है साहित्य वृत्तियां है। चलिए आगे, चलो देखो समझो इधर बढ़िया से। अब आइए शमशेर बहादुर सिंह के बारे में थोड़ा सा और विशेष जान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इधर मिटा दे रहे हैं और देखो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। आप अपना मोबाइल का क्वालिटी बढ़ाइए, तुमको डेली डेली क्वालिटी दिक्कत होता है, सही में क्या दिन भर रेस देखता है, रतियाम क्लास वगैरह दिक्कत हो लगता है। हम आएंगे कोचिंग में दिखा देंगे कितना क्वालिटी में रहता है, 360 में भी बेहतर रहता है। चलिए तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह की अगर हम बात कर ले यात्रा का, इन्होंने यात्रा कहाँ किया था, यात्रा मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान से जाना घूमना। इन्होंने 1978 में, ध्यान रखिएगा 1978 में सोवियत की यात्रा किया था, किसका किया था 1978 में, सोवियत रूस, सोवियत संघ कौन है, रूस, तो सोवियत रूस का, सोवियत संघ में आते हैं, सोवियत रूस की यात्रा किया, किसका यात्रा किया है, रूस की यात्रा किया, रूस की यात्रा किया, ठीक है। चलिए बाद में तो पैसा इनके पास बहुत रुपया था जी, छोटा मोटा आदमी थे। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किए और सोवियत रूस की यात्रा करने के बाद ये शमशेर बहादुर सिंह ने जो है एक बात समझिए कि जब सोवियत संघ से आए थे तभी इनका अध्यक्ष बनाया गया था, सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अब आइए, अब जो है इनकी कृतियां पर बात कर लेते हैं। कृतियां मतलब क्या होते हैं, इनकी रचना, कृतियां का मतलब इनकी रचना, ठीक है, कृतियां का मतलब रचना। इन्होंने रचनाएं यानी लेखन का काम 1932-33 में शुरू किया था, इन्होंने कृतियां लिखने का काम, कृतियां जो है लिखने का काम, कृतियां लिखने, कृतियां लिखने का काम कब शुरू किया, का काम 1932-33 में शुरू किया, 1932 से 33 में शुरू किया है, ठीक है, यानी कृतियां रचनाएं लिखना शुरू किया था। और इस समय उन्होंने एक रचनाएं लिखी है और इस रचना का जैसे बात कर लेते हैं, दूसरा सप्ताह, सप्तक, दूसरा, दूसरा सप्तक, यह दूसरा सप्तक जो लिखा गया है, यह दूसरा सप्तक कब लिखा गया था, यह दूसरा सप्तक इन्होंने लिखा है 1951 ईस्वी में, कब लिखा है 1951 में। एग्जाम में क्वेश्चन करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा कि दूसरा सप्तक किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की, कब लिखी थी इन्होंने, 1951 में लिखा था, ठीक है। अब आइए 1959 और 1961 की अगर हम बात कर ले, 1959 और 1961, तो 1961 और 1959 में अगर देखा जाए तो इस समय इन्होंने कुछ कविताएं लिखी है, क्या लिखी है, इन्होंने कविताएं लिखा है, कुछ कविताएं मतलब समझ रहे, मतलब थोड़ा बहुत कविता, कुछ कविताएं लिखी, कविताएं लिखी है, ठीक है, कुछ कविताएं मतलब वो मत समझ रहे कि किताब कविता के नाम है, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने 1959 में भी लिखा कविताएं, कुछ कुछ कविताएं जो है 1961 में भी लिखा है। फिर 1961 के बाद अगर देखा जाए तो 1975 में चुका भी नहीं हूं मैं, ये चीज लिखा है, 1975
75 में इन्होंने एक और लिखी है, क्या लिखा है, उसका नाम है, उसका क्या नाम है, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, ठीक है। फिर 1900 अगर बात कर ले 82 का, 19 इधर लिख देते हैं, 1982 में अगर देखा जाए तो 1982 में इन्होंने मेरी लिखा है, क्या लिखा है, मेरी, याद रखिएगा मेरी कब लिखा गया, 1982 में। लेकिन एक बात समझिएगा, जब मेरी लिखी गई थी 1982 में, तो इससे पहले जो है ना 1980 में दो चीजें लिखी गई थी, दो जो है रचनाएं की गई थी। कौन कौन रचना किया गया था, इतने पास अपने, एक किया गया था इतने पास अपने, ठीक है, इतने पास अपने, इसकी रचना शमशेर बहादुर ने कब किया, 1980 में। और एक है उदिता, एक क्या है उदिता, उदिता की भी रचना कब किए, 1980 में। तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह जो है इन्होंने 1980 में दो रचनाएं किए, एक इतने पास अपने और एक उदिता, ठीक है। इन्होंने कुछ गजल लिखे हैं, सुकून की तलाश, एक और इन्होंने लिखा है क्या, सुकून की तलाश, सुकून की तलाश, सुकून की तलाश। तो ये जो सुकून की तलाश है ना, ये गजल है, क्या है, गजल, गजल नहीं सुना है, यूट्यूब पर सर्च करो न्यू गजल, बड़ी बड़ी गजल गाना आ जाएंगे। तो इन्होंने एक गजल लिखा है सुकून की तलाश। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां और लिखी गई, बहुत सारे रचनाएं इन्होंने किया है, सारा पढ़िएगा, असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है। अब आइए इनकी कविता की ओर, कि कविता देख ले, इसको मिटा देते हैं और इनकी कविता क्या उसको समझाते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलिए कविता पर आ जाइए, उषा के, उषा का क्या चल रहा है, कविता। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, क्या समझना है, चलिए उषा में कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए सुबह सुबह, अगर सुबह सुबह की बात कर ले, तो जब आप सो करके उठते हैं, तो उठने के बाद देखते हैं कि आसमान पूरा नीला नीला नजर आता है, और उस पर लगता है थोड़े से एकदम धीरे धीरे सूरज बाहर निकल रहा है, और देखने में कितना सुंदर लगता है, उसी की बात किया जाता है उषा कविता में। सूरज जो निकलते हैं तो सब लगता है, शाम जब होता है और या सुबह होती है, तो जैसे जैसे सूरज निकलते हैं ऊपर, तो पूरा आसमान ब्लू ब्लू नजर आता है, और ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी सुबह हुई है, और आसमान में किसी ने जो है पूरा नीप दिया है आसमान को, बहुत खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले उषा कविता लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। उषा कविता का क्या नाम है, उषा, ठीक है, जिनका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। अब आइए यहां पे उषा कहता है, पंक्ति लिख रहे हैं, प्रात, ध्यान से सुनना, प्रात नभ, पंक्ति क्या है, प्रात नव था बहुत, प्रात नव था, नव था, प्रात नव था बहुत, प्रात नव था बहुत नीला, नीला शंख जैसे, नीला शंख जैसे, जैसे भोर का नव, शंख जैसे भोर का नव, इधर नीचे कर देते हैं, भोर का जैसे, भोर का नव, ठीक है, भोर का नव। अब इस पंक्ति को पहले समझ लीजिए बढ़िया से, इस पंक्ति का अर्थ जो होगा सुनिएगा बढ़िया से। देखिए कहते हैं प्रातः नव, प्रातः मतलब क्या, सुबह सुबह की बात कर रहे हैं, प्रातः का मतलब क्या हो गया, भोर हो गया, यानी सवेरे सवेरे की बात कर रहा है। प्रातः नव, नव का मतलब होता है आकाश, नव का मतलब आकाश, यानी जिसको आसमान कहते हैं, ऊपर वाला जो आकाश होता है। बहुत नीला शंख जैसे भोर नव, यानी कहता है कि भोर का जो आकाश है, भोर का आकाश, भोर का जो आकाश है, भोर का जो आकाश है, भोर का आकाश है वह नीला है, नव बहुत नीला,
कैसा है? वह नीला है। लेकिन कैसा नीला बोल रहा है? नीला है। और कहता है बहुत नीला शंख जैसे भोर नभ। और वो कहता है कि वह क्या कहता है? वह नीला है लेकिन क्या कह रहा है? और शंख के जैसा। और कैसा है? शंख के जैसा। शंख के जैसा, शंख के जैसा है, शंख के जैसा है। यानी कह रहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला, यानी सुबह का भोर का जो आकाश है, भोर का जो आकाश है, भोर का जो आकाश है वो कैसा था? नीला था, बहुत था नीला। यहाँ पे हाँ नहीं था कर दो। वो कैसा था? वह नीला था। कहता है शंख जैसे भोर नभ, वो ऐसा नीला था कि जैसे लगता है कि शंख के जैसा नीला है, शंख के जैसा नीला है, शंख के जैसा क्या है? नीला है। ये अर्थ समझ में आई? फिर से सुनो। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर नभ। तो यानी प्रातः नभ था, भोर का आकाश है, था बहुत नीला, वह बहुत नीला था, शंख जैसे भोर नभ, शंख के जैसा नीला था। भोर नभ का मतलब क्या? भोर में शंख के जैसा ही भोर में दिखाई देता है। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि शंख के जैसा, शंख के जैसा भोर में, शंख के जैसा भोर में दिखाई देता है, दिखाई देता है। आप ऐसे भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो भोर का आकाश है वह नीला था और शंख के जैसा नीला है, यानी शंख के जैसा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि शंख के जैसा भोर में दिखाई देता है। अगला पंक्ति कहता है, अगला पंक्ति कहता है कि राख से, राख से, राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्या कहता है? अभी गीला पड़ा है, गीला पड़ा है। चलिए तो यहां पे एक बात समझिएगा। कहता है राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कहिएगा यहाँ पे, सुनो। कहता है राख से लिपा हुआ चौका, यानी कहता है कि जो राख से, राख से लिपा मतलब समझ रहा है, राख से लिपा मतलब जो निपते हैं हम लोग। अरे घर में मिट्टी का घर होता है या मिट्टी का जो है नीचे फर्श पक्का नहीं होता तो हम लोग गोबर से निप देते हैं, निपते कि नहीं निपते हैं। तो कहता है राख से लिपा हुआ चौका, कहता है राख से लिपा हुआ हुआ है, राख से लिपा हुआ है, क्या लिपा हुआ है? चौक लिपा हुआ है, यानी चौका। यहाँ पे कह सकते हैं कि चूल्हा लिपा हुआ है, क्या लिपा हुआ है? चूल्हा, चौका, यानी चूल्हा लिपा हुआ है, लिपा हुआ है। आंगन, जो आंगन की बात कर ले तो कहेंगे आंगन लिपा हुआ है, लिपा मतलब समझ रहे, निपा हुआ, आंगन लिपा हुआ है, लिपा हुआ है, जो अभी क्या है? गीला है, जो अभी गीला है। समझ में आई बात? गीला है। कहते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका, चूल्हा लिपा है, आंगन लिपा है, जो अभी क्या है? गीला है। तो यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार आकाश भी लग रहा है कि किसी ने राख से लिपा है। यानी कहते हैं कि आकाश को भी कह देते हैं, आकाश भी
आकाश को भी किसी आकाश को भी किसी ने राख से लिपा है, जो गीला जैसा लग रहा है, जो गीला जैसा लग रहा है, लग रहा है। चलिए यहां पे आइए फिर से। कहता है, क्या कहता है? राख से लिपा हुआ चौका। क्या कह रहा है? राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि राख से लिपा हुआ जो चौका है, जो चूल्हा है, जो आंगन है, वो सब क्या है? लिपा हुआ है। और अभी क्या है? सब सब के सब गीला है। कहते उसी प्रकार अब शमशेर बहादुर सी कहते हैं कि भोर का जो आकाश है, लगता है कि आकाश को भी किसी ने राख से लिखा लिपा है और अभी गीला जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर से समझा देते हैं, सुनिए क्या कहिएगा। प्रातः नभ यानी भोर का जो आकाश है वह बहुत नीला था और शंख के जैसा दिखाई देता है। भोर का आकाश वह नीला था और शंख के जैसा नीला है, यानी शंख के जैसा भोर में दिखाई देता है। राख से लिपा हुआ चौका यानी कहते राख से लिपा हुआ है चौका, अभी गीला है यानी चूल्हा भी लिपा गया, आगना भी लिपा गया है, जो अभी क्या है? गीला है। उसी प्रकार आकाश को भी लिपा किसी ने, कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह कि उसी प्रकार लग रहा है कि जो भोर का आकाश है उसको भी किसी ने राख से क्या कर दिया है? लिपा है, जो अभी जो है गीला जैसा लग रहा है। उसी प्रकार आकाश को भी शमशेर बहादुर से तुलना करते हैं और कहते हैं उसी प्रकार आकाश को भी लग रहा है कि किसी ने राख से लिपा है जो अभी गीला है। चलिए आगे कहानी भी पढ़ाएंगे, कहानी वाला आएगा। चलो देखो तुम लोग पढ़े आया, देखो इन्हें जाकर के कोची नौटंकी के लिए सब अपने में बतियात रहता है, कुछ ही बतियाता है, समझ में ना आता है। चलिए देखिए यहाँ पे अब कहेंगे क्या, न वफा होगी न वफा की बात होगी। चलो इधर पढ़ लो पहले। चलिए देखिए इसके बाद अगला पंक्ति है, और अगला पंक्ति क्या कहता है सुन लीजिए। अगला पंक्ति कहता है बहुत काली सील जरा से बहुत काली सील जरा से लाल केसर से लाल केसर से की जैसे कहता है लाल खड़िया की जैसे धुल गई, पहले धुल गई हो आ जाओ, जैसे कि धुल गई हो। ये हो गया एक पंक्ति। फिर नीचे आइए, फिर नीचे कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। चलिए अब यहां पे सबसे पहले इसका वर्णन कर लेते हैं, ठीक है। कहता है बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई है, यानी कहते हैं कि भोर का जो आकाश है, क्या कहते हैं कि भोर का आकाश, किसके बारे में बात किया जा रहा है? आकाश के बारे में। भोर का आकाश जो होता है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि जो भोर का आकाश है वो अंधेरों में सुबह सुबह हल्का अंधेरा रहता है, तो भोर भोर का आकाश अंधेरों में सिलवट के समान दिखाई देता है। सिलवट सिलवट का मतलब समझते हैं, जिस पर मसाला पीसी जाती है, जिस पर मसाला पीसी जाती है, ठीक है। सिलवट का मतलब होता है मसाला, जिस पर मसाला पीसी जाती है,
पीसी जाती है, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या याद रखना है, भोर का आकाश अंधेरों में सिलवट के जैसा, सिलवट के जैसा, सिलवट के जैसा दिखाई देता है, सिलवट के जैसा दिखाई देता है, दिखाई देता है, सिलवट के जैसा दिखाई देता है। कहता है जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई है, और कहता है कि जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है इस पर, मतलब आकाश पर, सूरज की किरणें पड़ती है तो वह लाल केस वो तो वह ऐसा लगता है, ऐसा सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने लाल केसर, ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने लाल केसर फैला दिया, लाल केसर फैला दिया, फैला दिया है। चलिए तो क्या कहिएगा, सुनो। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, यानी कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह, भोर का जो आकाश है वो सिलवट के जैसा दिखाई देता है। सिलवट मतलब जिस पर घर पे मसाला सिलौटी नहीं जानते जी, उसी को सिलवट बोलते हैं। भोर का आकाश अंधेरों में सिलवट के जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने लाल केसर फैला दिया है। जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है किसी ने लाल केसर फैला दिया है, ठीक है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कहते हैं कि जैसे स्लेट पर, इधर लिख देते हैं कि जैसे स्लेट पर, जैसे स्लेट पर लाल चौक से मल दियो, लाल चौक से मल का मतलब क्या, लिख दियो, मल दी है। चलिए वही चीज है, इसको कुछ वैसा नहीं, बस सेम चीज ही है कि जैसा लगता है जैसे लाल केसर फैला दिया है, और जैसे कि स्लेट पर जैसे वैसे फैल गया है जैसे स्लेट पर लाल चौक से हम लोग लिख देते हैं, लाल चौक से मल देते, पूरा रगड़ देते, मल का मतलब रगड़ना, लिख देना। चलिए बहुत काली सी सील जरा से लाल केसर से, कहता है बहुत काली सी सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है। तो या और स्लेट पर या लाल खड़िया, खड़िया का मतलब चौक होता है, खड़िया का मतलब पेंसिट होता है, पेंसिट जानते हैं, पेंसिट नहीं जानते हैं जी, बचपन में पेंसिट से लिखा है, स्लेट पर नहीं, तो नहीं समय तो अब कॉपी किताब आ गया। चलिए तो कहते हैं कि भोर का आकाश अंधेरों में सिलवट के जैसा है दिखाई देता है, और जैसे सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने लाल केसर उस पर फैला दिया है, जैसे स्लेट पर लाल चौक मल देते हैं बिल्कुल वैसा ही आकाश नजर आता है, ठीक है। चलिए अब आगे, चलिए अगला पंक्ति सुन लो। अच्छा बोल देते हैं शायरी, न वफा होगी न वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। चलो देखो यहां पे आगे कहता है, नील नील सुनना बढ़िया से पंक्ति, नील जल में या किसी की,
नील जल में या किसी की, नील जल में या किसी की। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर चलेगा अभी, किसी की। अभी क्वेश्चन लास्ट में चलेगा ऑब्जेक्टिव। नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे, गैर झिलमिल, झिलमिल दे, झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो, हिल रही हो। कहता है कि नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे, हिल रही है। तो क्या यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इसका? नील जल में, यहाँ पे गैर नहीं, गौर कर दो, गौर है बाबू, गौर, ठीक है। चलिए, गौर गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो। कहते हैं कि मानो कि आकाश जो है नीले, जब सूर्य की किरणें नीले आकाश पे पड़ती निकलता है तो ऐसा लगता है। यहाँ पे लिख देते, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जब आकाश पर पड़ती है, किरणें जब आकाश पर पड़ती है, आकाश पर पड़ती है, ठीक है, आकाश पर पड़ती है तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? तो यहां पे लिखा हुआ आकाश पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है, लगता है कि नीले जल में, नीले जल में किसी गोरी में, किसी गोरी स्त्री, गौर का मतलब गोरी, किसी गोरी स्त्री, कोई गोरी स्त्री का सुंदर शरीर, कोई गोरी स्त्री का सुंदर शरीर, कोई गोरी स्त्री का। अरे जब बाबू, जब सूरज की किरणें पड़ती है नीले प्रकाश पर, सूरज धीरे धीरे इसे निकलना शुरू होता है, तो कितना अच्छा लगता है सुबह का समय देखने में। तो वही चीज कहता है कि जब सूरज की किरणें पड़ती है, जब आकाश पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि किसी नीले जल में किसी गोरी स्त्री के सुंदर शरीर जो है बाहर आ रही है, शरीर बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, ऐसा लगता है। समझ भाई बात? तो वही चीज कहता है, और लग बाहर हिल रही, जैसे हिल रही है, झिलमिल दे, बाहर आ रही है और वह झिलमिला रही है। क्या करती है? और वह झिलमिला रही है, झिलमिला रही है, झिल मिला रही है, मतलब हिल रही है, कमर डोला रही है ठुमुक ठुमुक के। चलिए, तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही है। तो यहाँ पे कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह कि जब सूरज की किरणें आकाश पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी गोरी स्त्री का सुंदर शरीर बाहर आ रही है और वह झिलमिला रही है, ठीक है। इसके बाद एक और, जादू टूटता है, अब सपना टूट जाता है, ठीक है। कहते हैं जादू टूटता है, जादू टूटता है, जादू टूटता है इस उषा कायब, इस उषा कायब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे सुनो। कहता है जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी यहाँ पे कहते हैं कि जब सूर्य पूरी तरह से बाहर निकल जाता है तो सुबह का समय खत्म हो जाता है। आंसर लिख देते हैं कि सूर्य पूरी तरह से, सूर्य पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, बाहर
निकल जाता है, बाहर निकलना का मतलब सूर्योदय होना, निकल जाता है तो उषा खत्म हो जाती, उषा खत्म हो जाती है, उषा खत्म हो जाती है, यानी जो लाल लाल हम लोग सुबह में देखे थे नजारा, वो नजारा खत्म हो जाती है। कहते हैं कि देखो, सूर्य पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, मतलब सूर्योदय पूर्ण रूप से हो जाते, पूरा सूर्य बाहर निकल जाता है। देखो 6 बजे धीरे धीरे निकलता है, 8 बजे वही चीज रहता है, 8 बजे बदल जाता है। तो कहते हैं जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य पूरी तरह बाहर निकल रहा है तो उषा खत्म हो रही है। जो रचनाएं, जो आकाश में देखने का सुंदरता था, वो उषा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उषा का जादू खत्म हो गया। वो सुबह में ही नजर आ रही थी आकाश में, अब जो है सूर्य निकलने के बाद खत्म हो गया। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगी, अब जितना भी हो चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी तुरंत, जितना देरी क्लास चले ऑब्जेक्टिव तो चलना बहुत जरूरी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? चलो, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में दे रखा है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी में दे रखा है उषा, ऑप्शन सी में दे रखा है हार जीत, और ऑप्शन डी में दे रखा है अधिनायक। तो क्या होंगे राइट आंसर? शमशेर बहादुर सिंह का कविता उषा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शमशेर बहादुर सिंह, देखो एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है दूसरा क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कवि शिरोमणि, ऑप्शन बी कवि रत्न, ऑप्शन सी कवियों के कवि कहा जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो शमशेर बहादुर सिंह है, वो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, बताइए। अभी तो वही चीज आया क्वेश्चन, ऑप्शन ए में दिया रघुवीर सहाय को, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सी मुक्तिबोध को, और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो कवियों का कवि किनको कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की जो प्रतिनिधि कविताएं और थी, उसको किसने संपादन किया था? ऑप्शन ए में दिया काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी दुधनाथ सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे? डॉक्टर नामवर सिंह किए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर? कोई नहीं, उषा का जादू जब टूटता है, जब सूरज बाहर निकलता है, यानी सूर्योदय की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया है? ऑप्शन ए हिंदी अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी उर्दू, ऑप्शन सी उर्दू हिंदी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन से किए थे? उर्दू हिंदी कोश, ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे, मतलब किस साहित्यकार के जैसा थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कबीरदास, और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो किनके जैसा थे? नागार्जुन के जैसा थे, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? ऑप्शन ए पहला सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक और ऑप्शन डी इनमें से कौन ही। क्या होंगे राइट आंसर? दूसरा सप्तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए दूसरा सप्तक, ऑप्शन बी उदिता, ऑप्शन टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन डी सतह से उठता आदमी। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना नहीं है, तो नहीं रचना है आपका सतह से उठता आदमी, ऑप्शन नंबर डी, ई शमशेर बहादुर सिंह ने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए में दे रखा है इंद्रजाल, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी उदिता और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो कौन सी रचना है शमशेर बहादुर सिंह का? उदिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? सोवियत राज्य अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत रूस का और ऑप्शन सी फ्रांस का और ऑप्शन डी नेपाल का। तो बताइए 1978 में शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वह सोवियत रूस की यात्रा किए हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए, कहां से बीए किया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी बनारस से और ऑप्शन डी कानपुर से। क्या होंगे राइट आंसर बताइए? शमशेर बहादुर सिंह ने कहता किस स्थान से बीए किया, तो बताए थे इलाहाबाद से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, ऑप्शन सी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे राइट आंसर बताइए? शमशेर बहादुर जी का संबंध रहा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, क्योंकि वहां पे अध्यक्ष बने थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उषा कविता में प्रातः काल को किसको समान बताया है, यानी सुबह सुबह का जो प्रातः काल होता है किसके समान दिखाई देता है? ऑप्शन ए लाल कमल के समान, ऑप्शन बी नीले शंख के समान, ऑप्शन सी नीली चादर के समान, ऑप्शन डी नीले सागर के समान। तो बताए थे किसके समान? नीले शंख के समान, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सुकून की तलाश क्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी गजले और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए जो सुकून की तलाश है वह सुकून की तलाश क्या है? गजल है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन से क्या संबंधित कविता है? ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी हार जीत। क्या होंगे राइट आंसर? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है वो क्या है? उषा है, क्योंकि आकाश के बारे में बताया जाए, आकाश एक प्राकृतिक है, सूर्य प्राकृतिक है, भोर प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक के बारे में बता रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए दूसरा सप्ताह कब प्रकाशित हुआ था? अभी तो बताए कि दूसरा सप्ताह जो प्रकाशित इन्होंने किया है वो कब किया है? 1951 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 1951। अगला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया 13 जनवरी 1911 को, ऑप्शन बी 23 फरवरी 1911 को, ऑप्शन सी 13 मार्च 1911 को और ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1911 को। तो राइट आंसर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया धर्म देवी, ऑप्शन बी रीता देवी, ऑप्शन सी कमला देवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? ऑप्शन ए मतलब रचना है, ऑप्शन ए में दिया है
गुलामी का नशा, ऑप्शन बी में दिया है मुकुल, ऑप्शन सी में दिया है काल तुझसे होड़ है मेरी, और ऑप्शन सी डी में दिया विशाख। तो जो रचना लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह वो लिखे हैं काल तुझसे होड़ है मेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, यानी कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। इतने पास अपने, ऑप्शन बी उदिता, ऑप्शन सी टूटी हुई बिखरी हुई, और ऑप्शन डी भारत इतिहास और संस्कृति। तो ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे, सुकून की तलाश क्या है, गजलों का संग्रह, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी, और ऑप्शन डी निबंध। बताइए सुकून की तलाश क्या है, गजल है, गजल, राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रभातकालीन आकाश कैसा है, यानी सुबह सुबह की बात करता है, कैसा होता है, कमल के रंग के जैसा, नीले शंख के जैसा, काली सिल के जैसा, उजली सिप के जैसा। नीले शंख के जैसा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला, किसका जादू टूटता है, उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य का, क्या हो गया राइट आंसर, जादू किसका टूटता है, उषा का टूटता, ऑप्शन नंबर ए। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइए, ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, और ऑप्शन सी ज्ञाने द्रप्ती, और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा जो, उषा जो कविता है इनका लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है, ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, और ऑप्शन डी मुक्तिबोध। चुका भी नहीं हूं के रचयिता कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सुकून की तलाश किसकी रचना है, ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार की, ऑप्शन बी गालिब की, ऑप्शन सी इकबाल की, और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह की। तो सुकून की तलाश एक गजल है और शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था, ऑप्शन ए में दिया है देहरादून, ऑप्शन बी में दिया है पटना में, ऑप्शन सी लखनऊ में, और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था, देहरादून में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए। उषा का जादू कब टूटता है, सपने में, विस्मृति में, सूर्योदय होने पर, ध्यान में। तो उषा का जादू तब टूटता है जब सूर्योदय होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब मिल करके जल्दी खाली आ करके, तुम लोग चैट में नौटंगी करते रहता है, तो चार गो बहुत ज्यादा है, करो तुम लोग, करना काम है, आप लोग करते रहो, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ाते रहेंगे। तो अब जो है कल का क्लास बायोलॉजी होगा, कल का बायोलॉजी नर प्रजनन तंत्र के बारे में समझाएंगे बताएंगे, ठीक है। कल का क्लास थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए सारे स्टूडेंट क्वालिटी में दिक्कत नहीं आती है, आप मोबाइल घुमाइए, यहाँ भी देखते चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि आप ही की क्वालिटी में दिक्कत आए, सारे बच्चों में एक आध हो के आती है। तो आप अपना नेट को बचा के रखिए, और रात में रील्स ना देखिए, और क्वालिटी में देखिए वीडियो, ठीक है, क्लास कीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल बायोलॉजी की क्लास में, सभी बच्चों को गुड नाइट, ठीक है।